नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर और आज हम बात करने वाले हैं बैंक लोन्स के ऊपर। नरेंद्र मोदी ने आज से 4-5 दिन पहले एक स्पीच दी है और स्पीच का अंश हम आपको दिखाने वाले हैं। उनमें वो कह रहे हैं कि 2008 के बाद लोन देने की जो प्रक्रिया शुरू की गई उसकी वजह से सारा का सारा NPA बढ़ गया भारत में, और जो लोन 1947 से 2008 तक दिया गया था वो था केवल 18 लाख करोड़ रुपए, और 2008 से 2014 तक जितना लोन दिया गया वो उसका 3 गुना था। नरेंद्र मोदी की हम आपको पहले स्पीच सुनाते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सच बोला है या झूठ। यानी 1947 से 2008 तक, और देश भर के 20 लाख लोग सुन रहे हैं, सुनकर के चौंक जाएंगे। 1947 से 2008 तक हमारे देश की सभी बैंकों ने कुल मिलाकर के 18 लाख करोड़ रुपए की राशि ही लोन के तौर पर दी थी। 18 लाख करोड़ इतने सारे कालखंड में, लेकिन 2008 के बाद सिर्फ 6 साल में, यानी 60 साल में क्या हुआ और 6 साल में क्या हुआ? 60 साल में 18 लाख करोड़ और 6 साल में ये राशि बढ़कर 52 लाख करोड़ रुपये हो गई। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये ग्राफ दिखाना चाहते हैं। ये जो ग्राफ है ये RBI के डेटा के द्वारा तैयार किया है और फर्स्ट पोस्ट में ये छपा है। तो इस ग्राफ में बताया गया है कि भारत का जो बैड लोन्स था या फिर NPA जो था, जो भारत की आज की डेट की सबसे बड़ी समस्या है, वो 2008 में कितनी थी और 2008 से वो कांग्रेस के जाते जाते कितनी हो गई, तो यहाँ पर वो दिखाया गया है। सितंबर 2008 में 53,917 करोड़ रुपए का बैड लोन था भारत के ऊपर, भारत के बैंकिंग सिस्टम में। फिर उसके बाद मार्च 2009 की अगर हम बात करें तो ये बढ़कर 59,744 करोड़ हो गया है। हम आपको पहले बता देते हैं कि भारत का जो आज बैड लोन है वो 8,41,000 करोड़ रुपए है। तो सितंबर 2008 में केवल 53,917 करोड़ था और मार्च 2009 में बढ़कर 59,744 करोड़ हुआ। सितंबर 2009 में और बढ़ा और 66,686 करोड़ हो गया। फिर उसके बाद जब तक कांग्रेस के जाने का समय आ गया, यानी कि मार्च 2014 के अगर हम आंकड़ों की बात करें, तो तब तक भारत के ऊपर जो बैड लोन था वो 2,40,971 करोड़ रुपए हो गया। तो यहाँ से समझ में आता है कि कितना लोन इस समय में दिया गया होगा और कितना लोन बैड लोन में कन्वर्ट हो चुका होगा। फिर उसके बाद ये आंकड़ा 2015 सितंबर तक और ज़्यादा बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते आज वो 8,41,000 करोड़ हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से भारत के ऊपर बैड लोन्स बढ़े हैं 2008 के बाद से अप्रत्याशित रूप से। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। भारत में अगर 2008 सितंबर की बात की जाए तो उस वक्त प्राइवेट सेक्टर्स के जो बैंक हैं वही बैंक्स बैड लोन से सबसे ज़्यादा ग्रसित थे। 2008 का सितंबर का ये ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें केवल और केवल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और सिंडिकेट बैंक, 3 बैंक्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। बाकी जितने भी बैंक्स NPA से ग्रसित हैं वो सभी के सभी प्राइवेट बैंक्स हैं। गवर्नमेंट बैंक का कोई नामोनिशान नहीं है, SBI जैसे बैंक्स का, अलाहाबाद जैसे बैंक का कोई नामोनिशान इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन क्या होती है वो हम आपको दिखाते हैं। फिर आता है मार्च 2009 में अभी भी प्राइवेट बैंक्स ही सबसे ज़्यादा बैड लोन से ग्रसित हैं, लेकिन इसमें जो नए नाम ऐड हो जाते हैं वो हो जाता है SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम इसमें ऐड हो जाता है, और साथ ही साथ इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि एक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है उसका नाम भी इसमें
ऐड हो जाता है, साथ साथ हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नाम इसमें ऐड और बाकी सभी नाम ऑलमोस्ट वही रहते हैं। तो यहां से शुरू होती है सरकारी बैंक गवर्नमेंट बैंक्स के एनपीए बढ़ने की कवायद। फिर उसके बाद आता है मार्च 2014 और मार्च 2014 में कोई ऐसा बैंक नहीं होता जो गवर्नमेंट सेक्टर का हो और वो इस लिस्ट में ना हो। सेंट्रल बैंक सबसे ज्यादा, जो अभी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स रूल कर रहे हैं सबसे ज्यादा बैड लोन्स को, वो उस ग्राफ में अब गवर्नमेंट बैंक्स ने अपना परचम लहरा दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा बैड लोन्स के साथ हमारे सामने खड़ा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ जाता है। अलाहाबाद बैंक इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आ जाता है। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आंध्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, इस पूरी लिस्ट में ढूंढे से भी कोई प्राइवेट बैंक नहीं मिलता है। तो यहां से समझ में आता है कि 2014 तक सरकारी बैंकों का क्या हाल हो गया था। उसके बाद हम आगे बात करते हैं 2015 में क्या हुआ। पिछले चार साढ़े चार साल में 50 करोड़ से बड़े सभी लोन्स की समीक्षा की गई। लोन की शर्तों का बड़ी कड़ाई से पालन हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने कानून बदले, बैंकों के मर्जर का निर्णय लिया, बैंकिंग सेक्टर में प्रोफेशनल अप्रोच को बढ़ावा दिया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुधारने के लिए निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये भगोड़े अपनी संपत्ति की निराई में खुद भाग न ले सके इसकी भी व्यवस्था की गई है। बड़े लोन लेने वालों के पासपोर्ट डिटेल भी अब सरकार के कब्जे में रखना तय कर लिया है ताकि देश छोड़कर भागना उनके लिए आसान न हो। बैंकरप्सी कोड और NCLT द्वारा NPA की रिकवरी शुरू हुई है। 12 सबसे बड़े डिफॉल्टर्स जिनको 2014 के पहले लोन दिया था, जिसके NPA की राशि करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए हैं, उनके खिलाफ तेज गति से कार्रवाई चल रही है। जहां एक और बैड लोन्स बढ़ रहे थे और जो आंकड़ा सितंबर 2015 में 3,41,641 करोड़ का था, वो बढ़ते बढ़ते 2018 तक 8,41,000 करोड़ का हो गया। तो जहां एक ओर बैड लोन्स बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर कानून बनाए जा रहे थे कि बैड लोन्स को वापस लाया जाए। 2015 में हमने पहली बार देखा कि बैड लोन्स को रिकवर किया गया और अब तक 29,343 करोड़ रुपए रिकवर हो चुके हैं। और साथ ही साथ बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी नाम का एक कानून लेकर आया गया। उस कानून के अंतर्गत 4,00,000 करोड़ रुपए का ऐसा बैड लोन था जिसको रिकवर किया जा सकता था, यानी ऑलमोस्ट आधा बैड लोन रिकवर किया जा सकता है। उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसमें से 29,343 करोड़ रुपए वापस निकाले गए। और अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक खबर आई है, वो कह रहे हैं कि 50% जो उसका बैड लोन है उसको इस साल के अंदर रिकवर कर लिया जाएगा। अलाहाबाद बैंक ने भी कहा है कि 12,500 करोड़ रुपए 2019 से पहले पहले रिकवर कर लिए जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक का मानना है कि 20,000 करोड़ रुपए 2019 से पहले पहले रिकवर कर लिए जाएंगे। तो शुरुआत हुई है, ये आंकड़े बहुत बड़े नहीं हैं लेकिन ये शुरुआत हुई है। पैसा जो अब तक जाए जा रहा था बाहर, जो बैड लोन बनता जा रहा था, वो पैसा रिकवर करने की कवायद शुरू हुई है। अब इसके ऊपर, क्योंकि ये आंकड़े कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करने वाले नहीं हैं, इन आंकड़ों पर आप नरेंद्र मोदी को घेरना चाहते हैं या उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं कि आपने कम से कम शुरुआत तो करी, ये आपके ऊपर है। हमने एक क्लियर पिक्चर आपको दिखा दी है, जो अब आपको फैसला लेना है वो आप ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, हमें आप ट्विटर और फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें पेट्रियन पर मदद भी कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक आपको आई बटन में, एंड एनोटेशंस में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।